सो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया मैं लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो ऐसे 5 उद्योग या 10 उद्योग ऐसे कि जिसे आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हो, फटाफट हम करते हैं वीडियो का शुभारंभ और दिखाते हैं आपको मशीनरी। तो हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम एस के इंजीनियर मशीनरी कंपनी आ चुके हैं फ्रेंड्स, और यहाँ मैं आपको कंपनी विजिट कराऊंगा, सर हमें सारी मशीनरी दिखाएंगे। तो सर से जान लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से उद्योग है जिसे आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ 7-8 तरह के लघु उद्योगों के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको सारी मशीनों की जानकारी देता हूँ और बहुत सारे लघु उद्योगों के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट हम एस्क इंजीनियर्स कंपनी में पहुंच गए हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये कुछ लिखा हुआ भी है, व्यापार मेला, और व्यापार मेले में आपको बहुत सारी मशीनरी यहाँ देखने को भी मिल जाएंगी। तो फटाफट आपको दिखा देते हैं मशीनरी और जान लेते हैं उनकी सारी डिटेल। तो कंपनी के अंदर एंटर करते हैं और फटाफट चलते हैं सर के साथ और देखते हैं मशीनरीज और जानते हैं उनकी फुल इन्फॉर्मेशन। स्वागत है आपका एस के इंजीनियर कंपनी। तो फ्रेंड्स, हम एस के इंजीनियर्स के अंदर एंटर कर चुके हैं और आपको दिखाएंगे मशीनरी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे आप रोजगार तो जनरेट कर ही सकते हो और अपना एक अच्छा खासा मुनाफा भी कलेक्ट कर सकते हो। सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पेपर डोना प्लेट मशीन के बारे में। यह पेपर डोना प्लेट ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आप 6 रोल एक साथ चला सकते हैं। यह हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें आप पेपर के प्लेट्स, डोना, थाली, पत्तल वगैरह बना सकते हो, जो कि मार्केट में आसानी से आप सप्लाई कर सकते हैं चाउमीन वगैरह के लिए, फास्ट फूड वगैरह के लिए जो चलता है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं, जो कि आपको ये देख रहा है कुछ इस तरह के जो दोने हैं, जो प्लेट्स हैं, जो पत्तल हैं, अगर आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, इस तरह का मशीनरी आप लगा करके अपना लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसके प्राइस आपको पता चल जाएंगे, आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी सर के कॉन्टैक्ट दे दूंगा। तो दूसरी मशीन के बारे में सर से जान लेते हैं थोड़ा और। आइए चलते हैं दूसरी मशीन के ऊपर। ये हमारी पेपर नैपकिन मशीन है, ये पेपर नैपकिन बनाती है, इस तरह के टिश्यू पेपर। तो फ्रेंड्स, थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो सर ने बताया है ये पेपर नैपकिन मशीन है। मैं मशीनरी को भी थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह से, ये देखो पूरा पैक खड़ा हुआ है मशीनरी। अगर आप पेपर नैपकिन बनाने का लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो इसका भी बिजनेस आप स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफे को जनरेट कर सकते हो और खुद का एक अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ सेकेंड मशीन और जान लेते हैं और इसके बाद जो मशीन हमें सर दिखाएंगे वो कौन सी होगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरी मशीन पर, जो कि वायर नेल बनाती है, वायर नेल जो कील जिसे कहते हैं। देखिए सर, ये कील बनाने की मशीन है, ये हमारा जो है ये इस तरह की कील बनाती है। तो फ्रेंड्स, कील मशीनरी आपने देखी ली, कील मशीन है। तो देखो बाकी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप देखिए ये कस्टमर्स आए हुए हैं यहाँ विजिट करने और इन सारे लोगों ने भी मशीनरी के रिगार्डिंग अपना अपना जो भी ये प्लान करना चाहते हैं, जो मशीनरी लगाना चाहते हैं सारा कुछ। तो सर से थोड़ा पूछ लीजिएगा किस मशीनरी के रिगार्डिंग आए सर, थोड़ा मशीन के लिए आए हैं यहाँ पर। तो आप किस तरह की मशीनरी लगाना चाहते हैं, किस तरह का लघु उद्योग लगाना चाहते हैं जो आप हमारे यहाँ आए? एजुकेशन के ऊपर, यानी कि आप नोटबुक मेकिंग मशीन लगाना चाहते हैं। देखिए आए हैं हमारी कंपनी में नोटबुक मशीन के लिए। सर, आप सर चाहते हैं कि ये नोटबुक बनाए और नोटबुक बनाकर सप्लाई करें और आपके ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और होलसेलर्स होते हैं उनमें सप्लाई करें, जो कि एजुकेशन लेवल पे स्कूल वगैरह के बच्चों के लिए काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए, आप यहाँ पे एक छत के नीचे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करके और जिनकी मार्केटिंग करके आप अपना लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब नोटबुक की जो स्टेशनरी में बात हो रही थी, अब हम उसी मशीन के पास पहुंच गए हैं और आपको दिखाएंगे कि जो नोटबुक की मशीन है एक्चुअल में वो दिखने में होती कैसी है और उससे आप किस किस तरह की नोटबुक बना सकते हो। ये नोटबुक बनाने का प्लांट है सर, इसमें आपको कटिंग मशीन मिलती है, स्टिचिंग मशीन मिलती है और आपकी एज स्क्वायर मशीन होती है जो कि आपकी फिनिशिंग करने के काम आती है, पूरा कंप्लीट सेटअप। तो सर, थोड़ा डिटेल में इनको डिफाइन कर दीजिएगा जो मशीनरी होती है। जो फर्स्ट मशीन, तो ये देखो जो सर ने बताया था, ये जो पिन लगाने के लिए जो स्टिचिंग मशीन है ये वो है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हो तो कंपनी विजिट भी कर सकते हो। बाकी इसमें जो पूरा सेटअप दे रखा है, 3 मशीन सर ने बताई थी सर। तो जो रॉ मटेरियल वगैरह है सर, थोड़ा कस्टमर को वो भी इशू रहता है उनके, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा रॉ मटेरियल का कैसे क्या सीन है। बिल्कुल सर, ये रॉ मटेरियल आपको बिल्कुल आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये इसका पेपर होता है,
ये लाइनिंग किया हुआ पेपर मार्केट से तैयार मिलता है। इसमें इसका एक ये कवर होता है जो कि मार्केट में ये भी आपको प्रिंट किया हुआ तैयार मिल जाएगा। आप चाहें तो मार्केट में अपने नाम से या कोई भी अपना फर्म का नाम लगाना चाहते हैं तो मार्केट में प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोई अपना ब्रांड नेम या कोई ट्रेडमार्क का देना चाहते हैं, जैसे कि जो इस पर ब्रांड नेम कुछ दिया हुआ है, अगर आप अपने ब्रांड से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उतारना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से अपने ब्रांड नेम भी इसमें मेंशन करके अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और बिजनेस को और ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ नोटबुक मशीन का कंप्लीट सेटअप जो सर ने बताया था, 3-4 मशीनें जो इसमें लगती हैं। बाकी डिटेल अगर जानना चाहते हो उसके बारे में तो मैंने एक और वीडियो भी बना के डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हो, नहीं तो कंपनी विजिट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स आइए मैं आपको चलता हूँ आगे मशीन पर, नेक्स्ट मशीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, ये पाउच पैकिंग मशीन है, इसमें आप नमकीन मसाले वगैरह भुजिया वगैरह किसी भी प्रकार की नमकीन आप पैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा देख लीजिए जो इसमें जो पाउच पैकिंग मशीन जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से होती है। आप इसमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को पैक करके उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो। आप अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो उसकी बनाने की मशीनें भी आपको मिल जाएंगी, और ये जो मशीन है पाउच पैकिंग, ये पाउच पैकिंग मशीन ले सकते हो। सर से थोड़ा और भी जान लेते हैं, इसकी जो डिटेल है थोड़ा सर क्लियर कर देंगे और बता देंगे सारी डिटेल। सर ये पाउच पैकिंग मशीन है, ये आपके हर तरह के पाउच पैक करती है, जैसे मसाले वगैरह आपको पैक करना है या नमकीन वगैरह आपको पैक करना है वो भी इसमें पैक हो जाएगी, और भी तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं वो जो आप इसमें पैक कर सकते हैं। तो सर ने बता दिया है आप इसमें तरह तरह के प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं और उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और आप अगर और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके इस मशीन के बारे में जो मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं, लघु उद्योग दिखाए हैं, अगर आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या किसी भी तरह के प्रोडक्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके मशीनरी वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आपको एक ही छत के नीचे सर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको देख करके आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और एक अपना जो बिजनेस है लघु उद्योग है आप वो शुरू कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मसाला ग्राइंडिंग मशीन, इसमें आप आटा बना सकते हैं, गेहूं डालकर मसाला बना सकते हैं, कोई भी मसाला डालकर मसाला ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें एक साइड से धान डालकर चावल भी आप निकाल सकते हैं, दूसरी साइड पर गेहूं डालकर आप आटा बना सकते हैं, और इसके अलावा मसाले भी इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंबाइंड मशीन है, आप इसमें एक साथ दो चीजों को प्रोडक्शन करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। थोड़ा और आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है इसमें मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट है, कोई भी चाइनीज आइटम नहीं है। ये बहुत अच्छा आपके साथ एक मतलब एक जो इंडिया है, एक तो आपको इंडिया का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको चाइनीज एसोसिएट मिलेगी नहीं। तो अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ विजिट करके, और भी बहुत सारी काफी तरह की यहाँ मशीनरी है, थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिये यहाँ मशीनों का भरमार है, आप बहुत सारी मशीनरी है, आप किसी भी तरह का कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ व्यापार मेले में विजिट करके और बहुत सारी मशीनों को देख सकते हो और आप एक खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। आइए फिर मैं आपको और मशीनों के बारे में बताना चाहूंगा। सर हम आपको दिखाते हैं स्लीपर मेकिंग मशीन, ये देख रहे हैं आप, ये मैनुअल स्लीपर मेकिंग मशीन है जो कि हैंडवर्क करती है, इसको लगाकर आप हवाई चप्पल स्लीपर्स बना सकते हैं जो कि आसानी से आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। सर ने बताया था हैंडवर्क सर, तो उसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर्स को नहीं पड़ेगी? नो सर, इसमें लाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ हैंडवर्क होता है इसमें टोटली। तो फ्रेंड्स ये फुल्ली हैंड प्रेस मशीन है, आपको बस हाथ से इस तरह से स्लीपर को कट करना है। स्लीपर फ्रेंड्स मैं थोड़ा आपको दिखवा दे रहा हूँ, स्लीपर कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी, सीट वगैरह सारा कुछ। अगर कस्टमर्स को सर सीट वगैरह चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो क्या रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड कराते हैं? जी रॉ मटेरियल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप हम भी कस्टमर को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तरह तरह के कलरफुल सीट आते हैं इसमें, और इसके स्ट्रैप आते हैं कलरफुल, अलग अलग तरह के बहुत सारा मटेरियल आता है इसका, सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स मशीनरी आपने काफी सारी देख ली थी, सर से थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं और बता देते हैं आपको और भी डिटेल। तो सर से जान लेते हैं सर, जो आपने हमें मशीनरी दिखाई थी, अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें, जो इतनी सारी आपने मशीनरी हमें दिखाई है, इतने सारे काफी सारे फ्रेंड्स लघु उद्योग जो सर ने हमें दिखलाए हैं, तो इसके जो रॉ मटेरियल सर कहां उसको मिल जाएंगे हमारे कस्टमर्स को? सर इसका जो रॉ मटेरियल है मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, और जो कि हमारी कंपनी द्वारा भी आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा, कस्टमर को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो सर थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि ये तो 2018 जो अब खत्म हो रही है,
अब नया सेशन स्टार्ट होगा जो 2019 आएगी, तो उसमें हमारे कस्टमर्स को, हमारे जो व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सुन लेना, मैं सर से 2019 के बारे में और ऑफर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि सर जो उस समय ऑफर चलेंगे वो किस तरह से होंगे। सर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में स्टार्टिंग से ही हमारे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन लगने जा रहा है जिसमें मशीनरों का विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी और काफी सारी मशीन। बताना चाहूंगा कि अभी जो नया साल शुरू हो रहा है इसमें इस लक्ष्य में हम आपको बहुत सारे ऑफर्स देने वाले हैं, हैवी डिस्काउंट देने वाले हैं और एक बहुत बड़ी विशाल प्रदर्शनी लगाने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे लघु उद्योगों के बारे में जानने को मिलेगा और देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स सर ने बता दिया था कि 2019 का अब सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर हमने आपको इतनी सारी मशीनरी जो दिखलाई है फ्रेंड्स, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो या और भी किसी तरह का प्लान आप कर रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत बड़ा व्यापार मेला स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ विजिट करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या जो अपने आप प्लान कर रखा है उसमें आप मशीनरी वगैरह लगा करके एक बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकते हो। बाकी सर यहाँ पे आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे मशीनरी का, जो कि ये बता रहे हैं विशाल मेला जो प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप आना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का पता और उनके एड्रेस दे दिए हैं, बाकी आपको वीडियो में नीचे लाइन भी चलती हुई मिल जाएगी, वहां इनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पड़े हैं, आप डायरेक्ट सर से बात करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको आना कैसे है ये भी सर से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो सर अगर बंदा जहां आना चाहेगा, तो अगर वो दिल्ली है या आपका राजस्थान है या यूपी बिहार से है, तो वो कैसे करके यहाँ आ सकता है? तो फ्रेंड थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सर से किया है, सर थोड़ा डिटेल में आपको डिफाइन करेंगे। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सर हमारी कंपनी पहुंचने के लिए बहुत ही आसान है, आप बरेली रेलवे स्टेशन आते हैं या बस स्टैंड आते हैं, आकर वहां से आप ऑटो वाले से बात कराइएगा, ऑटो वाला सीधा हमारी कंपनी आपको लेकर आएगा। और हमारा जो कंपनी का जो डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से ज्यादा नहीं 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर बस स्टैंड आप आते हैं तो ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारी कंपनी आपको पहुंचा देगा ऑटो वाला। तो फ्रेंड्स अगर आप कंपनी विजिट करते हैं डायरेक्ट कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या आप डायरेक्ट वहां से बात करके यहां पर आप विजिट कर सकते हो। इतनी सारी मशीनरी का यहां व्यापार मेला स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो देर मत करिए, अगर आपने कुछ प्लान किया है बिजनेस करने का तो फटाफट विजिट कर लीजिए, बाकी कॉन्टैक्ट पे कॉल करके इनके सबसे सारे। फ्रेंड्स बाकी बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया काफी सारे मैं और बिजनेस रिलेटेड आइडिया लाता रहता हूं, तो वीडियो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी फिर और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।